द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ इन, तो ये अपना नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ होंगे वो हमें बताने हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 10,000 आ गया, तो इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ कितने हैं, 4 जीरोज़ हैं। तो ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ कितने होंगे वो हमें बताने हैं। तो जो जीरो है वो बनता किससे है, 2 और 5 से। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 10 आएगा, तो इन्हीं की वजह से हमेशा जीरो जाएंगे। तो बाकी के जो 7 हैं, 3 की पावर 4 हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपने पास जीरो बनेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 से। और जैसे कि 2 एक बार है तो 5 भी 1 बार चाहिए ताकि 1 जीरो बने। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है और 5 कितने टाइम है, 4 टाइम्स। तो 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा और 1 5 को अलग रख लेते हैं। तो इनसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इनसे तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो पावर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 2 इंटू 5, और इनकी पावर आ जाएगी कितनी, 3 इंटू के अंदर 5। तो ये 10 10 की पावर 3 आ गया इंटू के अंदर 5। ऐसे ही 7 के अंदर जो भी थे, 3 की पावर 4 और 7, ये जो मल्टीप्लाई करने पर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आए उनके साथ में 10 की पावर 3 यानी 1 2 3, ऐसे 3 जीरोज लग जाएंगे। इधर चाहे कुछ भी नंबर्स हों लेकिन लास्ट के अंदर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोज। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज कितने आएंगे इसमें, 3। तो ये इसका आंसर था। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे होता 8 इंटू 15 की पावर 3, ये तो छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 और 5 इनके अंदर हमें छुपे हुए हैं जिनको बाहर करना पड़ेगा। जैसे 8 है, 8 को हमें 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। 15 है, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं जिसकी पावर 3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसकी वजह से तो 10 की पावर 3 आ जाएगा और 3 की पावर 3। आप लोग चाहें तो देखें कि सॉल्व कर लें, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, और 10 की पावर 3 का मतलब 1 2 3 जीरो जा जाएंगे। तो लास्ट में कितने जीरो आए, इस 3 की पावर 3 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ 10 की पावर 3 से हम सीधे ही पता कर लेते कि कितने जीरो आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव जीरो 3 आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। तो कभी कभी इनके अंदर जब 2 और 5 हों तो उनको बाहर करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते, मान लीजिए 2 की पावर अपने पास होता 10, 5 की पावर होती 14 और 7 की पावर होती 100। तो 7 की पावर 100 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पूछे कॉन्जिक्यूटिव जीरोज कितने होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब 5 की पावर 14 है तो 4 से हमें लेना देना नहीं है, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10 से कितने जीरोज बन जाएंगे, 10 की पावर 10, यानी 10 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।